मैं थोड़ा थोड़ा उड़िया सीख रही हूँ. मतलब वो भी मैं उड़िया में ही बोलूँ, मैं टिके टिके उड़िया शिकीबा को कोशिश कर रही हूँ. और दैट्स इट. सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. रितिशा गांगुली, जय जगन्नाथ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरा उड़िया पिक्चर. मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है. अभी आप लोगों का मतलब वो देख के आपका तो थोड़ा रिव्यू आ जाएगा, बट पिक्चर अभी आएगा. और एक बात कि मैं थोड़ा थोड़ा उड़िया सीख रही हूँ. मतलब वो भी मैं उड़िया में ही बोलूँ, मैं टिके टिके उड़िया शिकीबा को कोशिश कर रही हूँ. और दैट्स इट. सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. बहुत दिन हम काम किया. बहुत लॉन्ग मतलब स्टोरी है ये. बहुत शेड्यूल हुआ. मैं गया कलकत्ता, फिर आया, फिर गया, बहुत बार हुआ, लेकिन फाइनली ये कंप्लीट हुआ. यही बहुत अच्छा लगा. और सबके साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायरेक्टर तो इट्स अमेजिंग. उसका टेकिंग शॉट्स सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है. और कुछ मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. उड़िया पिक्चर दिस इज़ अ फर्स्ट पिक्चर. और बंगाल में तो मेरा अभी दो पिक्चर आ रहे हैं. उड़िया पिक्चर दिस इज अ फर्स्ट पिक्चर. और बंगाल में तो मेरा अभी दो पिक्चर आ रहे हैं. रितिशा गांगुली, जय जगन्नाथ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम मेरा उड़िया पिक्चर. मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है. अभी आप लोगों का मतलब वो देख के आपका तो थोड़ा रिव्यू आ जाएगा, बट पिक्चर अभी आएगा. और एक बात कि मैं थोड़ा थोड़ा उड़िया सीख रही हूँ. मतलब वो भी मैं उड़िया में ही बोलूँ, मैं टिके टिके उड़िया शिकीबा को कोशिश कर रही हूँ. और दैट्स इट. सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. बहुत दिन हम काम किया. बहुत लॉन्ग मतलब स्टोरी है ये. बहुत शेड्यूल हुआ. मैं गया कलकत्ता, फिर आया, फिर गया, बहुत बार हुआ, लेकिन फाइनली ये कंप्लीट हुआ. यही बहुत अच्छा लगा. और सबके साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायरेक्टर तो इट्स अमेजिंग. उसका टेकिंग शॉट्स सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है. और कुछ मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. उड़िया पिक्चर दिस इज़ अ फर्स्ट पिक्चर. और बंगाल में तो मेरा अभी दो पिक्चर आ रहे हैं.